अशोकनगर कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे भारतीय किसान संघ ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। कलेक्टर अभय वर्मा ने बीती शाम को किसान संघ की 9 सूत्रीय मांगों के निराकरण और 200 करोड़ की राहत राशि का प्रस्ताव शासन को भेजा। प्रस्ताव भेजते ही किसानों ने यह धरना समाप्त कर दिया। मुख्यतः इनकी 6-7 डिमांड थी, जिनमें से 3 प्रमुख डिमांड थी। एक फसल क्षति की राहत राशि के संबंध में प्रमुख डिमांड थी, दूसरी बीमा संबंधी प्रमुख डिमांड थी। तो ये जो प्रमुख डिमांड थी, इनका हमने अभी साहब के सामने रखा था। उनके साहब के माध्यम से ये प्रस्ताव शासन तक भेज दिया गया है। किसानों की राहत राशि के संबंध में प्रस्ताव तैयार करके मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाएगा, ताकि इनकी राशि स्वीकृत कर सके और उनको समस्याओं का निराकरण किया जाए। दूसरी बीमा संबंधी जो परेशानी थी, उसके संबंध में बीमा अधिकारी से हमने चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि काफ़ी लोगों का बीमा अभी आया नहीं है, चूँकि इनकी शिकायत थी कि हमारा बीमा नहीं आया, तो वो लाजमी था कि अभी तक नहीं आया है। तो जैसे ही बीमा अधिकारी उन सभी के प्रकरण स्वीकृत करके आगे भेजेंगे, बीमा संबंधी राशि इनके खाते में आ जाएगी। अभी जो प्रस्ताव भेजा है सर, लगभग कितनी? लगभग 200 करोड़ के आसपास की राशि साहब के माध्यम से प्रस्तावित की है, वो जल्दी स्वीकृत हो जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।